बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन आमिर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान किस्म के चिकन सैलेड बंस, जो आप ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को दे सकते हैं और टी टाइम पर भी आप ये बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने बॉयल की हुई चिकन ली हुई है, हाफ कप इसे बॉयल कर लिया था बगैर कोई नमक वगैरह डाले हुए। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कैप्सिकम, हमने हाफ कट करके रखी हुई है, ये इसमें ऐड कर देंगे। कैरेट ली थी हमने एक, कट करके रखी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है कैबेज, ये भी हमने कट करके रखी हुई है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। मायोनीज लिया यहाँ पे हमने 4 से 5 टेबल स्पून, ये इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही झटपट और आसान रेसिपी है ये। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि मेयोनीज में भी नमक होता है, इसलिए भी हमने कम लिया है। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम और ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी यहाँ न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकें। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हमारी सैलेड देखिए रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने 2 बंस लिए हुए हैं और इनमें लगाते हैं कैचअप। बंस पर कैचअप लगा के इनको रेडी कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है सलाद पत्ता, ये इसमें लगा देते हैं और जो हमने चिकन सैलेड बना के रखी हुई है ये इसके ऊपर यूं करके रख देते हैं। ये देखें, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें, बहुत ही आसान रेसिपी, झटपट 10 मिनट ही लगे होंगे इसको बनने में। ये देखें इस तरह, और ये ऊपर से आप इसको कवर कर दें और ये यहाँ पे हमारे चिकन सैलेड बर्गर बनकर तैयार हो गए। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।